पिछली क्लास में हम लोग ट्रांजिस्टर्स डिस्कस कर रहे थे और ट्रांजिस्टर्स का ऑपरेशन कुछ इस तरह का था। हमने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर कंसीडर किया था, ठीक है, और इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के अक्रॉस अगर हम, क्योंकि इसमें प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के अक्रॉस हम ये एन टाइप, ठीक है, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी, मान लो मैं ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ, और इसके अक्रॉस अगर हम कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, लेटेस्ट से यहाँ पे +5 वोल्ट, ठीक है, और इसको ग्राउंड कर देते हैं, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्चुअली कंडक्टर की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें हमने डोपिंग की हुई है और इसके अंदर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग इसमें ह्यूज करंट फ्लो करेगा और ये बिल्कुल कंडक्टर की तरह, ऑलमोस्ट कंडक्टर की तरह बिहेव कर, इसके पास वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा और करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। तो हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करते हैं कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके बीच में, ठीक, इसके बीच में हम पी टाइप मटीरियल, पी टाइप डोपिंग कर देते हैं, तो पी टाइप को सैंडविच कर देते हैं बिटवीन एन टाइप रीजन्स, ठीक है। तो ये पी टाइप रीजन इसके बीच में इंट्रोड्यूस करने की वजह से इसका बिहेवियर एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये एन पी एन टाइप का ट्रांजिस्टर कहलाता है और जैसे ही हम इसमें पी और एन साइड के अक्रॉस, ठीक है, बायसिंग करते हैं, ठीक है, ये वाला जो बायसिंग है पी और एन साइड की जो बायसिंग है, इस बायसिंग की वजह से एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बायसिंग के रिस्पॉन्स में माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि होल्स बहुत माइनॉरिटी में है, इसमें से बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकम्बाइन करते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दूसरे एंड पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट करते हैं उसका उसका नाम हम एमिटर रख देते हैं, ठीक है। और ये जो जैसे सैंडविचिंग की है पी साइड को, इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिकम्बाइन कर जाते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बेस करेंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। बाकी अगर ये बेस नहीं रहता तो सारे इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एंड पे पहुंच जाते, लेकिन पी टाइप का बेस इंट्रोड्यूस करने की वजह से, और बेस ऐसा वैसा नहीं, बेस को हम इंटेंशनली बहुत थिन रखते हैं, बहुत लाइटली डोप करते हैं, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिकम्बाइन कर जाते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कुछ बेस करेंट आ रहा है, ठीक है। तुम बोलोगे थोड़ा बहुत बेस करेंट होने से क्या फायदा, बेस करेंट की वजह से ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये बिहेव करता है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स की तरह, मतलब हम अलग वोल्टेज, अलग टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज यूज कर रहे हैं थर्ड ब्रांच में करंट कंट्रोल करने के लिए, और ये बेसिक प्रिंसिपल है एम्पलीफायर्स डिजाइन करने के लिए। एनीवे, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, अगर लास्ट क्लास को हम लोग समराइज करें, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इतना सीखा है कि हमारे पास अगर कोई एन पी एन ट्रांजिस्टर होता है तो इसमें, ठीक है, इसमें एन पी एन हेविली डोप्ड, ठीक है, एमिटर होता है, ठीक है, इसको ये एमिटर है, हेविली डोप्ड एमिटर होता है और वेरी थिन एंड वेरी लाइटली डोप्ड बेस होता है और मॉडरेटली डोप्ड कलेक्टर होता है। कलेक्टर की जो डोपिंग है वो थोड़ा सा एप्लीकेशन स्पेसिफिक होती है, किसी किसी एप्लीकेशन में कलेक्टर की डोपिंग हम थिन भी रखते हैं, लाइट भी रखते हैं, और ज्यादातर बहुत सारे केसेस में हम मॉडरेटली डोप भी करते हैं। अब इसके बाद बेस एमिटर को जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस करेंगे, तो ये रफली, ठीक है, बेस का जो वोल्टेज है वो रफली 0.7 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक, फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से बेस का वोल्टेज 0.7 वोल्ट होगा जैसा डायोड में होता है, लेकिन इसकी वजह से करंट कुछ भी, कितना भी फ्लो कर सकता है, ठीक, करंट बहुत ज्यादा एमिटर वाले ब्रांच से फ्लो कर सकता है।
इस वोल्टेज के करिस्पॉन्डिंग यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट होंगे, क्योंकि 0.7 वोल्ट वोल्टेज जैसे ही बेस पर अपीयर होगा, बेस और इमिटर के बीच में जो ये बैरियर पोटेंशियल है वो डिसअपीयर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो कि बैरियर पोटेंशियल की वजह से एन से पी नहीं जा पा रहे थे, वो अब आसानी से माइग्रेट करने लगेंगे। और एक बार जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स एन से पी इमिटर से बेस रीजन में पहुंचेंगे, क्योंकि बेस थिन है, लाइटली डोप्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ठीक है, और बहुत कम होल्स के अवेलेबल होने की वजह से ये यहाँ पे रुकते नहीं, ये कलेक्टर रीजन में, ठीक है, पहुंच जाते हैं। कलेक्टर रीजन में पहुंचने के लिए हमें कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस करना पड़ता है, मतलब कलेक्टर का जो वोल्टेज है वो और हाई, बेस से और हाई रखना पड़ता है। लेटर से यहाँ पे हमने +5 वोल्ट कलेक्टर का वोल्टेज रख दिया है, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल आइडियल कंडीशन है, ये एक सुइटेबल कंडीशन है जिसमें कि हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल के वोल्टेज करंट कंट्रोल सोर्स की तरह, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और इसको हम यूज करके एम्पलीफायर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे रिकम्बाइन कर गया, कितने रिकम्बाइन करेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स 98 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर पे जा करके ठीक है कलेक्ट हो जाएंगे। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर करेंट पूछा जाएगा तो मैक्सिमम करेंट यहाँ से कलेक्टर से आ रहा होगा, और बहुत कम करेंट यहाँ बेस से आ रहा होगा, और ये दोनों मिल करके एमिटर करेंट के इक्वल होंगे, ठीक है। और KCL के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं एमिटर करंट की वैल्यू जो होती है वो कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट के इक्वल होगी। बेस करंट माइक्रो एम्पेयर के रेंज में होगा, कलेक्टर और एमिटर करंट मिली एम्पेयर के रेंज में होंगे। और हर एक, अच्छा यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि मान लो ये 100 इलेक्ट्रॉन्स है ना, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 100 की जगह अगर मान लो यहाँ पे 200 इलेक्ट्रॉन्स हम सेंड करते, तो 200 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचते और बाकी 196 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर्स पे एंड करते, ठीक। उसी तरह अगर 3 times इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से सेंड करते हैं हम, और कितने इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट होंगे वो बेस का वोल्टेज डिसाइड करेगा, वो मान लो 0.71 वोल्ट हो गया अगर यहाँ का वोल्टेज, तो यहाँ पे हो सकता है कि 100 इलेक्ट्रॉन की जगह 500 इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हो, ये 500 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर और 490 इलेक्ट्रॉन्स इधर, ठीक है। कहने का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से स्टार्ट करेंगे उसका फिक्स्ड परसेंटेज कलेक्टर बेस में एंड अप होगा और बाकी इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर जा करके पहुंचेंगे, ठीक, कलेक्टर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये कितना फ्रैक्शन बेस में जाएगा, कितना कलेक्टर में जाएगा, ये हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक, करंट गेन के फॉर्म में। ट्रांजिस्टर के लिए बीटा की वैल्यू होती है IC/IV, ठीक है, जिसका मतलब तुम इस तरह से सोच सकते हो कि बीटा रिप्रेजेंट करता है कि बेस के कंपैरिजन में कितना टाइम्स कलेक्टर में करंट है, ठीक है, बेस का कितना टाइम्स कलेक्टर में करंट है, यहाँ पे वो 49 टाइम्स है, ठीक है, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू 49 हम बोलते हैं यहाँ पर। और अल्फा डिफाइन करते हैं, ठीक है, अल्फा डिफाइन करते हैं IC/IE, तो अल्फा का मतलब होता है एमिटर के रेस्पेक्ट में कलेक्टर में कितना करंट शो कर रहा है, ठीक है, एमिटर के रेस्पेक्ट में कलेक्टर में कितना करंट जा रहा है, तो एमिटर के रेस्पेक्ट में तो कलेक्टर का करंट कम ही होगा, वो ऑलमोस्ट 99% 98% के आसपास होता है। इस केस में अल्फा की वैल्यू हम 0.98 या 98% लिखते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने इतना ही बताया था, इस पर्टिकुलर, मतलब इस तरह से करंट को फ्लो करने के लिए कंडीशन है कि बेस एमिटर को हमें फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे क्या हुआ है, और बेस कलेक्टर को हमें, या कलेक्टर बेस को हमें रिवर्स बायस करना पड़ेगा, कलेक्टर को हाईएस्ट वोल्टेज पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये जो डिजायर्ड ऑपरेशन है
ये हम डिजायर्ड ऑपरेशन करेंट के फ्लो के लिए जो यहाँ पे ड्रॉ किया है वैसा पॉसिबल होगा। ठीक है, हाँ, इसके साथ साथ मैंने तुम्हें ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल बताया था। तो सर्किट सिंबल, इसके तीन टर्मिनल्स होते हैं, बेस, कलेक्टर, एमिटर। तो ये वाला जो एंड है ना, ये एमिटर होगा, ये कलेक्टर होगा, ये बेस होगा, ठीक है। और इसको हम कई बार इनसर्कल भी कर देते हैं। और ये सिंबल है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। बिल्कुल इसी तरह से हम पीएनपी ट्रांजिस्टर भी फॉर्म कर सकते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर में हमें बिल्कुल पी टाइप सेमीकंडक्टर रखना पड़ेगा और इसके बीच में एन टाइप, ठीक है, एन टाइप डोपिंग या एन टाइप मटेरियल सैंडविच करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होल्स बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, यहाँ पे होल्स बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, यहाँ पे होल्स बहुत ज्यादा होंगे, ये सब होल्स हैं, ठीक है, ठीक है। और इसमें बहुत ही माइनॉरिटी में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ये पी एन पी। और उसी तरह से मॉडरेट यहाँ पे होल्स। अच्छा, यहाँ पे इनका नाम होता है, ये जो हाईली डोप्ड पी टाइप रीजन है ये एमिटर कहलाता है, ठीक है, ये बेस कहलाता है और ये कलेक्टर कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम कैसे बायसिंग करेंगे, ठीक है, अगर बिल्कुल एनालॉजी लेकर के सेम ऑपरेशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए तो तुम समझ सकते हो इसको हम क्या करते हैं ना। ये एमिटर है, ठीक है, इसको एमिटर बेस को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, ठीक है, एमिटर बेस को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही फॉरवर्ड बायस करेंगे तो यहाँ पे होल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में चलना स्टार्ट है, कि कितने होल्स चलेंगे वो इस VEB पर डिपेंड करेगा, ठीक, एमिटर बेस वोल्टेज पर, ठीक, क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पे ये जो पी साइड है ये एमिटर होगा और ये एन साइड जो है ये बेस होगा, ठीक है। तो एमिटर बेस वोल्टेज के अकॉर्डिंग यहाँ से होल्स चलना स्टार्ट होंगे और इसमें से बहुत बहुत कम होल्स रिकम्बाइन करेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग बेस करेंट होगा और बाकी सारे होल्स कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। होल्स यहाँ जहाँ पर कलेक्ट होंगे उसको कलेक्टर कहेंगे, होल जहाँ से एमिट हो रहे हैं वो एमिटर रीजन कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो करंट का फ्लो है, यहाँ एमिटर ऊपर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो एमिटर से करंट होल की डायरेक्शन में ही करंट होगा, तो एमिटर करंट यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, उसमें से कुछ बेस में पहुंच जाएगा और मेजॉरिटी में ऑलमोस्ट सारे जो होल्स हैं वो कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। तो एमिटर और कलेक्टर करंट ऑलमोस्ट सेम होंगे और बेस करंट की वैल्यू बहुत ही कम होगी, ठीक। यहाँ पे भी सेम इक्वेशन, एमिटर इक्वल्स आई बी प्लस आई सी लिख सकते हो, यहाँ पर भी अल्फा बीटा वैसे ही डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका सर्किट सिंबल थोड़ा दूसरा होता है पीएनपी का, ठीक है, पीएनपी में का जो सर्किट सिंबल होता है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। थ्री टर्मिनल डिवाइस ऐसे ही होगा, बेस कौन सा होगा ये तो बता सकते हो तुम, लेकिन एमिटर बेस, क्योंकि ये जो ये एरो है ना ये कंट्रोलिंग वोल्टेज इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे ना ये एरो यहाँ पर आएगा क्योंकि ये एमिटर है और ये बेस है और ये कलेक्टर है, ठीक है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर कुछ इस टाइप का होगा, पीएनपी। ठीक है, ये सब पिछले क्लास की सारी बातें हैं। आज की क्लास में हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर और उसके बाद ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। इन सब का क्या मतलब होगा मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में।
एटलीस्ट अभी तक तुम्हें इतना तो मतलब पहले से मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि ये जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम बोल रहे हैं ये एक्चुअली VI कैरेक्टरिस्टिक ही है ट्रांजिस्टर के लिए. तो डायोड में दो टर्मिनल्स होते थे तो उसमें इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अलग से नहीं बताने की जरूरत पड़ती थी, उसमें एक VI कैरेक्टरिस्टिक होता था. लेकिन यहाँ पे तीन टर्मिनल्स हैं कि इसीलिए यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमें अलग अलग बताना पड़ता है. तो समझाता हूँ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है और कैसा आता है NPN ट्रांजिस्टर के लिए. तो ये एक NPN ट्रांजिस्टर, अब मैं सर्किट सिंबल ही यूज कर रहा हूँ, वो एक्चुअल डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें ज्यादा एफर्ट लगेगा. सर्किट सिंबल से तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली हम किस तरह से इस ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारा ये NPN ट्रांजिस्टर है. ठीक, थोड़ा पेशेंस तुम्हें रखना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस रख करके इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी. स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें तुम्हें लगेगा कि बहुत हैफजार्ड है, बहुत डिसकनेक्टेड है, लेकिन एंड तक पहुँचते पहुँचते सारी स्टोरी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी. तो हमारे पास ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और इसकी हम बायसिंग कर रहे हैं, इसको हम एमिटर को ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, और बेस को ठीक है फॉरवर्ड बायस करते हैं, ठीक है, बेस एमिटर को फॉरवर्ड बायस करते हैं, ठीक है. तो बेस पर जो वोल्टेज है ना उसको मैं, ठीक है, अच्छा, बायसिंग के लिए बेस एमिटर को हमने फॉरवर्ड किया, कलेक्टर बेस को रिवर्स किया, लेकिन मतलब कनेक्शन हम ठीक है अलग अलग तरीके से ये फॉरवर्ड रिवर्स बायस अचीव मतलब इन दोनों जंक्शंस का फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस अचीव करने के लिए हम कनेक्शन अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं. लेकिन हम अपने कोर्स में जो ये बायसिंग अचीव करेंगे वो एमिटर वाला जो टर्मिनल है उसको रेफरेंस लेकर के, उसको कॉमन मान करके बेस को की बायसिंग करेंगे और कलेक्टर की बायसिंग करेंगे. ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेस एमिटर को फॉरवर्ड बायस करने के लिए बेस और एमिटर के बीच में हम बैटरी कनेक्ट करेंगे और कलेक्टर और बेस को रिवर्स बायस करने के लिए भी हम कलेक्टर और एमिटर के बीच में बैटरी कनेक्ट करेंगे. ठीक है, ये कलेक्टर है, ये एमिटर है, ये बेस है. ठीक है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें इन टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं एमिटर को कॉमन मान के कर रहे हैं, एमिटर के रिस्पेक्ट में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, इस तरह की बायसिंग को हम बोलते हैं कॉमन एमिटर. ठीक, क्योंकि एमिटर के रिस्पेक्ट में बेस किया, एमिटर के रिस्पेक्ट में कलेक्टर लगा. अगर मान लो हम बेस के रिस्पेक्ट में एमिटर और कलेक्टर का वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते तो वो कॉमन बेस कहलाता, इसी तरह से कॉमन कलेक्टर बायसिंग भी हो सकती है. लेकिन हमें अपने कोर्स में सिर्फ कॉमन एमिटर बायसिंग ही डिस्कस करना है. ठीक है, तो हमें बाकी कॉमन बेस के लिए और कॉमन एमिटर बायसिंग के लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कॉमन एमिटर, क्योंकि तुम्हें ठीक है ये ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन एम्पलीफायर बना, तुम अभी थोड़ी देर में देखोगे कि इस सिंपल से डिवाइस को यूज करके तुम अपने घर पे एम्पलीफायर मैन्युफैक्चर कर सकते हो. ठीक है, एक ब्रेडबोर्ड, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स तुम्हें मार्केट से मिल जाएंगे और एक ट्रांजिस्टर को लेकर के शॉप में जाओगे, ट्रांजिस्टर इस तरह का कुछ होता है, इस पे ऐसे करके ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे तीन टर्मिनल्स होते हैं. ठीक, इसमें से एक कलेक्टर होता है, एक एमिटर होता है, एक बेस होता है. बेस तो समझ जाओगे, कलेक्टर कौन सा, एमिटर कौन सा होता है, उसके लिए इंडिकेशन होती है इसमें. एनीवे, तो इस तरह के मतलब ये ट्रांजिस्टर को यूज करके, रेजिस्टर्स को यूज करके तुम एम्पलीफायर खुद अपने घर पर मैन्युफैक्चर, अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट वगैरह है तो प्रोजेक्ट में तुम ये एम्पलीफायर भी बना सकते हो, अगर तुम लोगों को अपने क्लास वर्क के लिए बनाना है तो. ठीक है, तो क्योंकि हम एमिटर के रिस्पेक्ट में बेस और कलेक्टर की बायसिंग कर रहे हैं
तो बेस पर जो वोल्टेज है इसको मैं बेस पर जो वोल्टेज है इसको मैं लिख देता हूँ वी बी ए, ठीक है। और उसी तरह से कलेक्टर पर जो वोल्टेज है इसको लिख देता हूँ वी सी, ठीक है। वी बी की वैल्यू लेटेस्ट 0.7 वोल्ट के आसपास होगी, ऑलमोस्ट भी 0.7 होगी। और वी सी की वैल्यू हम लेटेस्ट से 5 वोल्ट रखते हैं, ठीक है। तुम देख सकते हो इन पर्टिकुलर वोल्टेजेस के लिए बेस एमिटर फॉरवर्ड है और कलेक्टर बेस रिवर्स है, ठीक है, ठीक है। तो इसके करिस्पॉन्डिंग हमें पता है कि इसमें एमिटर करंट बहुत ज्यादा होगा और बेस करंट बहुत कम होगा, और ऑलमोस्ट सेम कलेक्टर करंट, ठीक है, फ्लो कर रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से क्या मतलब है। तो जब हम इस ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे एम्पलीफायर बनाने के लिए, ठीक है, या इस ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे स्विच बनाने के लिए, इन्वर्टर बनाने के लिए, ठीक है। मैंने डायोड्स को यूज करके, तुम्हें याद होगा, और गेट बनाया था, ठीक है, डायोड्स को यूज करके एंड गेट बनाया था, लेकिन नॉट गेट नहीं बनाया था। तो नॉट गेट बनाना डायोड्स को यूज करके पॉसिबल नहीं है। नॉट गेट हम बना सकते हैं सिंपलेस्ट नॉट गेट ट्रांजिस्टर को यूज करके, उसी को हम स्विच भी बोल रहे हैं। तो जब हम ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे स्विच बनाने में, ठीक है, तो हमारा इनपुट कहाँ पर होगा और आउटपुट हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो ट्रांजिस्टर के लिए जो बेस वाला टर्मिनल होता है ना, जब हम एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर बनाने में यूज कर रहे हो या स्विच बनाने में यूज कर रहे हो, तो उस टाइम में ये जो बेस वाला टर्मिनल है ये इनपुट टर्मिनल होता है। यहाँ पे हम अपना इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेक्टिफायर में भी इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जहां से हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं जिन दो टर्मिनल्स पे, वो इनपुट कहलाता है, और जहां पे हम आउटपुट कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसको कि हम यूज करना चाहते हैं, ठीक, फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, वो आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट टर्मिनल कहलाता है। तो ज्यादातर एप्लीकेशंस में, ठीक है, मतलब ये ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशंस में हम देखते हैं कि ये जो बेस वाला टर्मिनल है ना, वही इनपुट टर्मिनल की तरह यूज होता है, और जो कलेक्टर वाला टर्मिनल है वो आउटपुट टर्मिनल की तरह यूज होता है। बेस इसको यहाँ पे बेस यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेस है, ठीक है, ये कलेक्टर है और ये इमिटर है, ठीक है। तो ये जो बेस वाला टर्मिनल है ना, इसको हम इनपुट टर्मिनल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। और ये जो कलेक्टर है इसको हम आउटपुट टर्मिनल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हम आउटपुट कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उस आउटपुट वोल्टेज को हम यूजफुल एप्लीकेशन में, ठीक है, उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि इनपुट टर्मिनल में वोल्टेज अप्लाई करो और देखो करंट कितना फ्लो कर रहा है, कि इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई करके अगर करंट मेजर कर रहे हैं तो वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, ठीक है। और आउटपुट टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई करके करंट मेजर करने को हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। तो ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनपुट टर्मिनल अलग है, आउटपुट टर्मिनल अलग है, तो एक बार इनपुट टर्मिनल पर हम देखेंगे, एमिटर तो कॉमन है, एमिटर के रिस्पेक्ट में ही हमें इनपुट पर और आउटपुट पर वोल्टेज मिलेगा। तो एमिटर के रिस्पेक्ट में इनपुट पर वोल्टेज अप्लाई किया और इनपुट पे देखा करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, और लाइक वाइज आउटपुट पर वोल्टेज अप्लाई करिए आउटपुट करेंट, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हम इसी ट्रांजिस्टर के लिए प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक है। इनपुट, अब तुम्हें थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है हम एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पर इनपुट वोल्टेज प्लॉट करेंगे। इनपुट वोल्टेज का मतलब वीबी प्लॉट करेंगे, इनपुट वोल्टेज का मतलब वीबी ही तो होगा ना, तो
एक्स एक्सिस पर वी भी प्लॉट करते हैं, मतलब बेस का, ये तो एमिटर के रेस्पेक्ट में ना, यहाँ पे हमने सोर्स कनेक्ट किया ठीक है, और इसको हम बेस एमिटर वोल्टेज को धीरे धीरे ठीक है इंक्रीज करें और देखते हैं कि इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस बेस करंट ठीक कैसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, बेस करंट यहाँ पे फॉरवर्ड बायस किया और जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ा रहे हैं कि जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और देखते हैं कि इसमें करंट कैसे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हें इसका कंप्लीट, इस ट्रांजिस्टर का कंप्लीट स्ट्रक्चर याद है और बेस एमिटर वाला जो पार्ट है ठीक है, अब इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये जो बेस एमिटर वाला वोल्टेज है यही अल्टीमेटली यहाँ पे बेस करंट कितना होगा वो डिसाइड करेगा। इनफैक्ट ये जो बेस एमिटर वाला पार्ट है ये और कुछ नहीं है, पीएन जंक्शन डायोड है। तो अगर बेस एमिटर के अक्रॉस वोल्टेज को देख करके बेस एमिटर में करंट कितना फ्लो कर रहा है ये प्लॉट करने को कहा गया है, तो तुम्हें पीएन जंक्शन के लिए फॉरवर्ड बायस में करंट प्लॉट वीआई कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करने को कहा गया है। तो डिफरेंस बस यही होगा कि यहाँ पे होल्स बहुत कम है नॉर्मल डायोड्स के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो नॉर्मल डायोड्स के कंपैरिजन में कम होगा, लेकिन ओवरऑल शेप या नेचर तो चेंज नहीं करेगा ना, अल्टीमेटली है तो ये भी पीएन जंक्शन डायोड ही। ठीक है, तो जब वोल्टेज बहुत कम रहेगा तो बहुत कम वोल्टेज होने की वजह से ये बैरियर पोटेंशियल को चार्ज कैरियर्स ओवरकम नहीं कर पाएंगे, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो बैरियर पोटेंशियल और वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते जैसे वोल्टेज की वैल्यू 0.7 हो जाएगी सिलिकन के लिए, वरना अलग अलग सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए अलग अलग ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा और बैरियर पोटेंशियल होगा। तो जैसे ही हम वोल्टेज की वैल्यू 0.7 से ज़्यादा करेंगे तो इसमें जो करंट होगा बिल्कुल स्काई रॉकेट करने लगेगा, बिल्कुल शूट कर जाएगा। ठीक है, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, ये पहले से ही तुम ऑलरेडी कर चुकी हो। अगर तुमसे ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है बेस करंट वर्सेस बेस एमिटर वोल्टेज। ठीक है, और इसकी शेप कैसी होगी तो वो अनडाउटेडली कुछ इस टाइप की होगी। बेस एमिटर, पहले बेस एमिटर मान लो, बेस यहाँ पर जो वोल्टेज है ना मान लो 0.1 वोल्ट है तो इसमें नेग्लिजिबल करंट फ्लो करेगा, फिर 0.2 वोल्ट लगाया ठीक है तो थोड़ा और करंट बढ़ेगा लेकिन नेग्लिजिबल, जैसे ही 0.7 होगा उसके बाद करंट ऐसे शूट कर जाए, कुछ इस टाइप की शेप होगी। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। तो हम ये बेस एमिटर वोल्टेज को वैरी करा करके बेस करंट मेजर कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है कि ये जो कलेक्टर करंट, कलेक्टर वाला जो वोल्टेज है ठीक उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना, तो हम कलेक्टर क्योंकि हम इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज वर्सेस करंट देखना चाहते हैं तो हम कलेक्टर वाला जो एंड है ना इसको हम फिक्स कर देंगे, इसका वोल्टेज फिक्स कर देते हैं। ठीक, इसको 5 वोल्ट कर लिया, ये वैरी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कलेक्टर बेस को पहले हमने कलेक्टर को हायर वोल्टेज पर रख लिया है, कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस कर लिया, उसके बाद बेस एमिटर वोल्टेज को हम बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि तुमने कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस कर लिया है तो कलेक्टर का काम सिर्फ इतना था कि वो बेस में पहुंचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करे, तो वो काम कर लेगा जब तक ये कोई भी +5 रखो +3 रखो एक ही बात है, बस कलेक्टर बेस रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो हम कलेक्टर वाला जो वोल्टेज है ना उसको हम फिक्स कर लेते हैं, VCE की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, VCE की वैल्यू फिक्स है, किसी फिक्स्ड VCE के लिए IB वर्सेस VBE ग्राफ कैसा होगा तो वो बिल्कुल डायोड की तरह कुछ ऐसा होगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें, कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, जैसा डायोड का होता है, लेट अस से यहाँ पर VCE की वैल्यू जो है वो +5 वोल्ट है, +5 वोल्ट के लिए कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ना इसको हम
दो रीजन्स में, ये वाला पॉइंट जो है ये 0.7 है, ये 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन जिस रीजन में तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो रीजन ट्रांजिस्टर के लिए एक्टिव रीजन कहलाता है, या एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन कहलाता है। ठीक, एक्टिव मोड का मतलब ये होता है कि हम बेस एमिटर को फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं और कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस कर रहे हैं। अगर इस तरह से बायसिंग की गई है तो इस टाइम में हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन में कहलाता है। ठीक है, एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन में कहलाता है। ठीक है, तो अगर तुम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे, ठीक, कलेक्टर कलेक्टर वोल्टेज को तो तुमने ऑलरेडी हाई वोल्टेज पर रखा है, कलेक्टर एमिटर कलेक्टर बेस तो ऑलरेडी रिवर्स बायस है। अब मैं कह रहा हूँ बेस एमिटर वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाना स्टार्ट करोगे ना, तो स्टार्टिंग में बेस एमिटर वोल्टेज की जो वैल्यू है वो 0.7 से कम है, तो उस टाइम में हमारा जो ये पीएन जंक्शन है, ये जो डायोड है, ये ऑन ही नहीं हुआ है, ये फॉरवर्ड बायस हुआ ही नहीं है। तो जब तक वीबी की वैल्यू 0.7 से कम है उस टाइम तक हम नहीं बोल सकते कि बेस एमिटर फॉरवर्ड है, कलेक्टर बेस रिवर्स है। उस टाइम तक हम नहीं बोल सकते कि हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन में लाई कर रहा है। हम बोलेंगे कि इस टाइम में ना, यहाँ पर अगर वीबी की वैल्यू बिल्कुल कम रख दे, वीबी की वैल्यू मान लो 0.1 वोल्ट है, तो क्या होगा? वो एक्चुअल ट्रांजिस्टर, तो तुम्हारे एक्चुअल ट्रांजिस्टर की पिक्चर तो है ना तुम्हारे दिमाग में। अगर यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग हुई नहीं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये यहाँ के बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेस करंट जीरो होगा, ठीक है, नेग्लिजिबल होगा। और बेस करंट अगर जीरो होगा तो एमिटर करंट भी जीरो होगा, कलेक्टर करंट भी जीरो होगा। ठीक, कोई करंट इसमें, इस ट्रांजिस्टर में कोई करंट पास करेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले ही नहीं तो करंट कैसे एग्जिस्ट करेगा? ठीक, क्योंकि जितने भी करंट्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बेस में रिकम्बाइन करते हैं वही बेस करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, और जितने करंट कलेक्टर में पहुंच जाते हैं वो कलेक्टर करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। यही है ना कंप्लीट स्टोरी। तो बेस करंट भी जीरो होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो बेस तक पहुंचेंगे और कलेक्टर करंट तो जीरो होगा ही। तो इस टाइम में हमारा ट्रांजिस्टर कहलाता है, ठीक है, कट ऑफ रीजन में। ठीक है, हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में। ठीक है, कट ऑफ रीजन में लाई कर रहा है, जिसका मतलब है हमारा बेस एमिटर जंक्शन जो है वो अभी ऑन ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो सारे करंट जीरो है, और जैसे ही बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस हो गया तो ये कहलाता है एक्टिव एक्टिव रीजन, हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में कहलाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो इसमें एक और क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको तुम लोग सोचो कि क्या होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि देखो, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर था, ठीक, ये बेस, देखो ये बेस एमिटर वोल्टेज जो है, ठीक है, वही डिसाइड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसका कुछ फ्रैक्शन यहाँ पे रिकम्बाइन कर जाए और बाकी कलेक्टर में जाए। ठीक है, कलेक्टर में इसलिए जाए क्योंकि यहाँ पे हमने रिवर्स बायसिंग की हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, हमने कलेक्टर बेस को फिक्स किया हुआ है, कलेक्टर वोल्टेज को फिक्स किया हुआ है और बेस एमिटर को बढ़ा रहे हैं, तो बेस करंट इंक्रीज कर रहा है, और बेस करंट इंक्रीज कर रहा है तो उसके प्रोपोर्शनल ही कलेक्टर करंट होगा और एमिटर करंट होगा एक्टिव रीजन में। कट ऑफ रीजन में तो सारे जीरो होंगे। मेरा क्वेश्चन है, मान लो एक्टिव रीजन में आ गए, ठीक है, बेस एमिटर की वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है, बेस एमिटर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते मान लो 0.71 वोल्ट या 0.708 वोल्ट, इस तरह से बेस एमिटर वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में आ चुकी है। ठीक है,
तो बेस एमिटर के करेस्पॉन्डिंग फिक्स आईबी होगा, आईबी की वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है। और आईबी की वैल्यू अगर फिक्स होगी तो उसके प्रोपोर्शनल आईसी भी होगा और उसके प्रोपोर्शनल आईई भी होगा, अग्री करते हो, ठीक है। कलेक्टर बेस वोल्टेज का कोई रोल नहीं, कलेक्टर वोल्टेज को अगर हम और बढ़ा दें तो क्या आईसी की वैल्यू और आईई की वैल्यू बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। कलेक्टर की थोड़ी कम कर दे, नहीं बढ़ेगी। लेकिन आइडियली तो ऐसा ही होता है, लेकिन कलेक्टर बेस वोल्टेज से थोड़ा तो फर्क पड़ता है, बहुत माइन्यूट सा फर्क पड़ता है, और वो इसलिए पड़ता है, तुम इस तरह से सोच सकते हो। मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट रखा है हमने, ठीक है, अभी हमने 5 वोल्ट रखा है, ठीक है। यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन्स, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले थे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिकम्बाइन हो गए, बाकी 98 यहाँ पे पहुंच गए थे। तो 98 तो यहाँ पे आ ही रहे थे, ठीक है, उसको बस कलेक्ट करने का काम ये 5 वोल्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको 10 वोल्ट कर देते हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि 100 इलेक्ट्रॉन जो चले थे उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिकम्बाइन हो जाएंगे, 98 उधर पहुंचेंगे। मैं कह रहा हूँ 5 की जगह 100 वोल्ट कर देते तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। और एक्चुअली फर्क ऐसा पड़ता है, क्योंकि फर्क सच में पड़ता है, क्योंकि जब कलेक्टर बेस को हम बहुत ज्यादा रिवर्स बायस कर देते हैं तो ऐसा होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन चले हैं ना, ठीक है, उसमें से जो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन है वो स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर कलेक्टर कलेक्टर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में एंड अप करेंगे, यानी कि कलेक्टर करंट बढ़ेगा, यानी कि बेस करंट थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक, बहुत ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कलेक्टर बेस के चेंज करने से। मतलब ये वाला जो वोल्टेज है 5 की जगह 10 कर दे थी, वो ऑलमोस्ट सेम सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो पता होना चाहिए तुम्हें। तो बेस करंट की वैल्यू जो है ना, अगर हम VC 5 वोल्ट है उसके लिए ऐसा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो जब VC 10 वोल्ट होगा तो उस टाइम में हर एक वोल्टेज पर, ठीक है, IV की वैल्यू स्लाइटली कम होगी, स्लाइटली लेस होगी, तो ग्राफ कुछ इसके थोड़ा सा ऐसे इसके नीचे लाइक है। हालांकि इतना भी ये बहुत एग्जैजरेशन है, ये ऑलमोस्ट ओवरलैप कर जाएंगे ग्राफ, ठीक है। तो 10 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ होगा ना, वो पता है कैसा होगा, ठीक है, उसको मैं बना कैसे ड्रॉ करूंगा। 10 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह का होगा, ये एग्जैजरेटेड ग्राफ है, तुम इसको ध्यान रखना, ये 10 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग है, आईवी की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आसान था, और इसको समझने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आ जाते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर। यस, पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना चाहते हैं। थोड़ा खुद से भी सोचो, अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक तो समझा दिया, इसी तरह से सोचो कि इस ट्रांजिस्टर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा। पहले तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होगा? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होगा? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है हमें प्लॉट करना है VC, मतलब कलेक्टर वोल्टेज, VC को इस बार वैरी कर, पहले VC को फिक्स किया था पिछली बार, और VB के करेस्पॉन्डिंग IB देख रहे थे, तो इस बार VB को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। VB की वैल्यू फिक्स कर दिया, ठीक है, VB को फॉरवर्ड बायस में ला करके VB की वैल्यू कुछ फिक्स कर दी, उसके करेस्पॉन्डिंग फिक्स IB होगा, VB फिक्स है तो फिक्स IB है। अब VC मतलब कलेक्टर वोल्टेज को वैरी करा रहे हैं, तुम लोग सोच करके बताओ कि बेस करंट कैसे वैरी करना चाहिए, कि आंसर करो जल्दी, तुम्हारे लिए बोनस क्वेश्चन है।
ये बताओगे अगर तो ये माना जाएगा कि तुम लोग ऑपरेशन बहुत अच्छे से समझ रहे हो। क्या होना चाहिए? हमने वीवी तो फिक्स कर दिया ना, अब पूछ रहा हूँ कि कलेक्टर वोल्टेज को हम वैरी करा रहे हैं तो क्या होगा? गेस करो। क्या होगा? अरे मैं कह रहा हूं कि अगर हम वीबी को फिक्स कर देते हैं ठीक, उसके करस्पॉन्डिंग आईबी की वैल्यू फिक्स हो, ठीक है, आईबी फिक्स हो गया, बेस करंट फिक्स हो गया, ठीक है। अब हम जब तक कलेक्टर करंट, मतलब जब तक कलेक्टर बेस रिवर्स बायस है, जब तक कलेक्टर का वोल्टेज बेस के वोल्टेज से ज्यादा है, तब तक हम बोल सकते हैं कि तब तक हम बोल सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से निकलेंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर पर पहुंचेंगे, उनको छोड़ करके जो कि बेस में रिकम्बाइन हो गए, ठीक है। तो ये जो कलेक्टर वोल्टेज है ना, इसका काम सिर्फ इतना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बेस तक आ गए उनको बस यहाँ पे अपने टर्मिनल पे कलेक्ट कर लेना। कलेक्टर वोल्टेज की वजह से करंट इंक्रीज डिक्रीज बहुत ज्यादा नहीं करेगा। अच्छा आईबी क्यों लिखा हूँ, आईसी, सॉरी, हाँ आईसी। आउटपुट टर्मिनल पर जो आउटपुट करंट है वो आईसी है और आउटपुट वोल्टेज वीसी वीसी है, ठीक, कॉमन एमिटर में। तो एज एक्सपेक्टेड तुम इसको खुद से गेस करके बता सकते थे कि एक्चुअली तुम खुद से गेस करके बता सकते थे ये एक्चुअली कि अगर हम बेस एमिटर को फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, उसके उसके करस्पॉन्डिंग वीबी फिक्स है अगर, या आईबी फिक्स है, तो फिक्स आईबी के लिए आईसी भी फिक्स होगा। कलेक्टर एमिटर के चेंज करने की वजह से आईसी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि इस ट्रांजिस्टर के लिए बीटा की वैल्यू 100 है, बीटा की वैल्यू 100 है, ठीक है, और हमने हमने वीबी फिक्स कर दिया है, ठीक है, वीबी फिक्स कर दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग आईबी फिक्स कर दिया है। मान लो आईबी की वैल्यू मान लो 100 माइक्रो एम्पेयर है, ठीक, आईबी की वैल्यू 100 माइक्रो एम्पेयर है। तो जब तक कलेक्टर बेस रिवर्स बायस है, जब तक कलेक्टर का वोल्टेज बेस के वोल्टेज से ज्यादा है, तब तक कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है ना वो फिक्स रहेगी, वो 100 टाइम्स आईबी के इक्वल होगी। आईबी की वैल्यू 100 माइक्रो एम्पीयर टाइम्स 100 करोगे तो वो 10 है ना, 100 का मतलब है 10 मिली एम्पीयर। तो ग्राफ कैसा होगा पता है कलेक्टर करंट का? बिल्कुल ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, ठीक है, बीसी बढ़ाते जाएंगे कलेक्टर करंट सेम रहेगा, ठीक, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शेप कुछ ऐसी होती है, वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कलेक्टर वोल्टेज बढ़ाने से कलेक्टर करंट नहीं बढ़ता है, कलेक्टर करंट तो वीबी ही डिसाइड करता है। एक बार वीबी फिक्स है, ठीक है, या आईबी फिक्स है, तो उसका बीटा टाइम्स ही आईसी करंट फ्लो करेगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कि अब क्वेश्चन उठता है कि ये वाला पॉइंट समझ में आया है? इसको अच्छे से पहले बताओ कि समझ में आया है नहीं, तभी आगे बढ़ूंगा। सर सर एक बार रिपीट। ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूं कि हमें एक्स एक्सिस में कलेक्टर वोल्टेज को प्लॉट करना है। ये वाला जो वोल्टेज है ना, ये जो वोल्टेज है ये अब वेरिएबल है, और ये जो बेस वोल्टेज है ये फिक्स है। कि पिछले केस में उल्टा था, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बेस वोल्टेज को हम फिक्स कर दे रहे हैं। कि बेस वोल्टेज की वैल्यू मान लो यहाँ पर 0.7 वोल्ट हो गई और ये फिक्स हो गई। तो बेस एमिटर वोल्टेज अगर फिक्स हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग बेस करंट फिक्स हो गया, ठीक है, बेस करंट कितना होगा वो फिक्स हो गया।
मान लो 0.7 वोल्ट के करेस्पॉन्डिंग 100 माइक्रो एम्पियर इस ट्रांजिस्टर में फ्लो कर रहा, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं कि जैसे ही हम कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस करेंगे, कलेक्टर का वोल्टेज बस बेस से ज्यादा रखेंगे, तो कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है ना वो, ठीक है, कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है वो एक्चुअली बीटा टाइम्स बेस करंट के इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर कलेक्टर का वोल्टेज ज्यादा है बेस के वोल्टेज से, तो बेस का करंट जितना होगा उसके प्रोपोर्शनली कलेक्टर का करंट होगा, ठीक है। कलेक्टर के का वोल्टेज चेंज करने से कलेक्टर करंट चेंज नहीं करेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारा जो ये, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जैसे ही हमने बेस एमिटर वोल्टेज फिक्स कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे वो फिक्स हो गए, ठीक है। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट करेंगे वो फिक्स हो गया, ठीक है। अब जब तक, एज लॉन्ग एज वी मेक श्योर कि ये कलेक्टर और बेस जो है ना, कलेक्टर का वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है, जब तक हम लोग ये श्योर कर पाते हैं कि कलेक्टर वोल्टेज ज्यादा है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलना स्टार्ट करे थे वो कलेक्टर तक पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कलेक्टर का वोल्टेज है उसको चेंज करने से कलेक्टर करंट चेंज नहीं करेगा, क्योंकि कलेक्टर करंट भी इनडायरेक्टली बेस एमिटर वोल्टेज ही डिसाइड कर रहा है। बेस एमिटर वोल्टेज ये डिसाइड कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एमिटर वाले एंड से एमिट हो रहे हैं, तो इसके प्रोपोर्शनल ही कलेक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स एंड अप करेंगे वो डिसाइड होगा, ठीक। कलेक्टर वोल्टेज बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुंचेंगे, ठीक। जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से चलना स्टार्ट किए उसका एक फिक्स परसेंटेज हमेशा कलेक्टर तक पहुंच जाएगा, जब तक कि कलेक्टर का वोल्टेज के बेस से ज्यादा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो ग्राफ होना चाहिए ना कलेक्टर वर्सेस वीसी, वो बिल्कुल ऐसा कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक शेप ऐसी होती है, वो वाला पॉइंट मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पॉइंट समझ में आ गया? कलेक्टर करंट कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कलेक्टर करंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली भी ऐसा ही होता है, ठीक है, कि कलेक्टर करंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। बेस एमिटर से कलेक्टर एमिटर वोल्टेज हम बढ़ाते जाते हैं, और कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो वैल्यूज लेकर के समझ लेते हैं। मान लो वीबी की वैल्यू फिक्स है, वीबी फिक्स मतलब कि आईबी फिक्स, तो ये वीबी की जो वैल्यू है यहाँ पर, यहाँ पे आईबी लिखता हूँ, आईबी की वैल्यू मान लो यहाँ पर 100 माइक्रो एम्पियर है, तो इस टाइम में जो कलेक्टर करंट की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो? कितनी होगी वो? बीटा टाइम्स होगी, तो वो लिखेंगे हम 10 मिली एम्पियर, ठीक है। हाँ सर, जब ये ना कलेक्टर एमिटर का वोल्टेज इंक्रीज करेंगे ना, हाँ सर, तब ये जो बेस करंट है वो भी वहीं जाएगा ना? हाँ, बेस करंट भी फिक्स है और कलेक्टर करंट भी फिक्स है, तो फिक्स तो है यहाँ पर, ऑलमोस्ट फिक्स। सर मैं बोल रहा हूँ सर, फिर बेस करंट मत होगा कुछ? नहीं, मैं समझा नहीं, बेस करंट ये वीबी हमने फिक्स कर दिया, इसके करेस्पॉन्डिंग आईबी फिक्स हो गया, अब कलेक्टर करंट बढ़ाते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कलेक्टर करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि बेस एमिटर वोल्टेज जो है उसके करिस्पॉन्डिंग फिक्स बेस करंट ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसको एक्सप्लेन ऐसे ही कर रहा हूँ कि ये जो बेस एमिटर वाला रीजन है ना, इसकी जो बाइसिंग है वही अल्टीमेटली डिसाइड करेगी कितने इलेक्ट्रॉन्स अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जितनी इलेक्ट्रॉन्स जर्नी स्टार्ट,
कितने इलेक्ट्रॉन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं यही एमिटर करंट है, और इसी के प्रोपोर्शनल बेस करंट होगा, इसी के प्रोपोर्शनल कलेक्टर करंट होगा। तो बेस एमिटर वोल्टेज अगर हमने फिक्स कर दिया तो एमिटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट फिक्स हो गए कि एमिटर करंट के प्रोपोर्शनली बेस करंट होगा, प्रोपोर्शनली कलेक्टर करंट होगा। एज लॉन्ग एज कलेक्टर बेस वोल्टेज, कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, ठीक, मतलब इसको हमें कलेक्टर का वोल्टेज बेस से ज्यादा रखना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है, ताकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आए, अगर इसका वोल्टेज कम रखेंगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जा ही नहीं पाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो कलेक्टर का वोल्टेज जब तक बेस से ज्यादा है, कौन सा एमिटर करंट, हाँ एमिटर करंट भी फिक्स है, बेस करंट भी फिक्स है, कलेक्टर करंट भी फिक्स है। सर जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना वो सारे जाएंगे ना कलेक्टर, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें से कुछ तो रिकम्बाइन होंगे ना सर, लेकिन जब हम कलेक्टर का वोल्टेज इंक्रीज करेंगे ना रिवर्स बायस, हाँ, सारे जाएंगे ना वहीं। नहीं 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 मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं अभी अभी जो पिछली बार बता रहा था कि कलेक्टर को जब बढ़ाएंगे ना कलेक्टर वोल्टेज, तो ऐसा होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स, मान लो मिलियन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे, ठीक है, और यहाँ पे मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हो रहे थे और बाकी रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड मिलियन इलेक्ट्रॉन्स ही कलेक्टर पे पहुंच रहे थे, ठीक है। तो जब कलेक्टर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में बढ़ जाएंगे और बेस में कम हो जाएंगे, कि कलेक्टर वोल्टेज को बढ़ाने से इतना ज्यादा चेंज नहीं आता है कि मतलब बेस करंट जीरो हो जाए, कि बेस करंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, कि वही तो मैं यहाँ ग्राफ में ये बताया ना, ये एग्जैजरेट करके बनाया, वरना दोनों ग्राफ ऑलमोस्ट ओवरलैप करेंगे। जब हम कलेक्टर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो बेस करंट थोड़ा डिक्रीज करेगा और कलेक्टर करंट थोड़ा इंक्रीज करेगा, यहाँ से जो एमिटर करंट चलना स्टार्ट कर रहे थे उसमें से बेस करंट की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी और कलेक्टर करंट की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन ये जो इंक्रीज है वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, ऑलमोस्ट सेम रहेंगे कलेक्टर करंट, ठीक है। ये बहुत ही स्लाइट चेंज है, ये दोनों ग्राफ्स ऑलमोस्ट ओवरलैप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यही मैं बताना चाह रहा था कि कलेक्टर एमिटर अगर एक बार रिवर्स बायस है तो आई वी की वैल्यू जो है ना, मतलब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ओके ओके वेरी वेल। हाँ मैं इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हाँ, तो ये ग्राफ होना चाहिए, ठीक है, ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन अब तुम नोटिस करोगे कि IB की वैल्यू फिक्स रखने के बाद भी, VB की वैल्यू फिक्स रखने के बाद भी, जैसे जैसे हम VC इंक्रीज कर रहे हैं, कलेक्टर वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इस ग्राफ को ना थोड़ा सा ऐसे एंगल पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ा सा ये एंगल पर है, ये इंडिकेट कर रहा है वही पॉइंट जो अभी तुम क्वेश्चन में पूछ रहे थे, कि जैसे जैसे कलेक्टर वोल्टेज बढ़ाएंगे ना तो कलेक्टर करेंट थोड़ा बढ़ेगा, बेस करेंट थोड़ा डिक्रीज होगा, तो यहाँ से जो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है वो इस कलेक्टर करंट के इंक्रीज, कलेक्टर वोल्टेज के इंक्रीज करने की वजह से हुआ है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही स्लाइट है, वो बहुत ही मार्जिनल है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि थोड़ा सा इंक्रीज करेगा कलेक्टर करंट, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट। अब मेरा तुमसे दूसरा क्वेश्चन है, फिर से हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब कलेक्टर करंट वर्सेस बीसी ड्रॉ करना चाहते हैं, अलग अलग बीसी के लिए कलेक्टर करंट की वैल्यू कितनी होगी वो प्लॉट करना चाहते हैं। तो अलग अलग बीसी के लिए कलेक्टर करंट की वैल्यू फिक्स ही रहती है जब तक हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में है। तो यहाँ पर हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था वो किसी फिक्स्ड वीबी या फिक्स्ड आईबी के लिए प्लॉट किया था, आईबी उस टाइम में मान लो 100 माइक्रो एम्पीयर था। अब मैं कह रहा हूँ मान लो वीबी को ना हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है, वीबी जो फिक्स वीबी था उसको मान लो हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं और मान लो उस टाइम में करंट फ्लो कर रहा है 200 माइक्रो एम्पीयर, ठीक है। तो जब आईबी की वैल्यू 200 माइक्रो एम्पीयर होगी
तो आईसी की वैल्यू कितनी होगी? आईसी की वैल्यू फिर से, ठीक है पता नहीं कितनी बार इसको बनाऊंगा, ठीक है मैं कह रहा हूँ कि पहले हमने कुछ वीवी की वैल्यू कुछ भी वोल्टेज रखा था, मान लो 0.7 वोल्ट रखा था, तो इस टाइम में ना यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट कर रहे थे, ठीक इसके करेस्पॉन्डिंग जो बेस करंट फ्लो कर रहा था वो 100 माइक्रो एम्पीयर फ्लो कर रहा था। हमने हमने बेस एमिटर वोल्टेज को मान लो बढ़ा करके 0.71 वोल्ट कर दिया, ठीक है तो मान लो उसकी वजह से जो बेस करंट है 200 माइक्रो एम्पीयर, तो अगर बेस करंट डबल हुआ है ना तो एमिटर करंट भी डबल हुआ होगा और कलेक्टर करंट भी डबल हुआ होगा, ठीक इसका मतलब है कि इस टाइम में जो कलेक्टर करंट होगा वो कितना होगा पता है, कितना होगा बताओ? अगर बेस करंट 200 माइक्रो एम्पेयर है तो उस टाइम में जो कलेक्टर करंट होगा वो एक्चुअली पता है कितना होगा, माइक्रो एम्पेयर इसको यहाँ से ये पता है, ये है 20 मिली एम्पेयर, ये जो वैल्यू है 20 मिली एम्पेयर, ये दिखा रहा हूँ कि हम फिक्स्ड वीवी के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर रहे हैं, वीवी को फिक्स करके आउटपुट टर्मिनल पे करंट और वोल्टेज प्लॉट कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो इससे ज्यादा वीवी पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इसके ऊपर आता, इससे कम वीवी के लिए या इससे कम आईवी के लिए अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता, ठीक है तो कम कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा होता, ये कम वीवी है, बेस एमिटर वोल्टेज कम है तो कलेक्टर करंट भी सॉरी बेस करंट भी कम होगा और कलेक्टर करंट भी अकॉर्डिंगली कम होगा, बेस एमिटर वोल्टेज ज्यादा है तो बेस करंट भी ज्यादा होगा और अकॉर्डिंगली कलेक्टर करंट भी ज्यादा होगा, तो मैं अलग अलग ठीक है बेस एमिटर वोल्टेजेस के लिए ये ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, ये ग्राफ कुछ इस तरह का है, तो ये जो ग्राफ है मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आई बी की वैल्यू मान लो 100 माइक्रो एम्पीयर के लिए, ये 200 माइक्रो एम्पीयर के लिए, ये 300 माइक्रो एम्पीयर के लिए, ये आई बी की वैल्यूज लिख रहा हूँ, ये मान लो 400 माइक्रो एम्पीयर के लिए, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आई सी की वैल्यूज है वो ठीक है ऑब्वियसली वो इस तरह से होंगे 10 मिली एम्पीयर, 20 मिली एम्पीयर, 30 मिली एम्पीयर, 40 मिली एम्पीयर, ठीक है ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा। तुम देख सकते हो कि जैसे जैसे हम वीसी बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आईसी इंक्रीज कर रहा है। हाँ अब इसके पहले वाला जो ये वाला जो रीजन है ये भी समझा देता हूँ, कलेक्टर वोल्टेज की जो वैल्यू है ना मान लो बेस की जो बेस वाले टर्मिनल की का जो वोल्टेज है वो रफली 0.7 वोल्ट है, तो जब कलेक्टर वोल्टेज हम जीरो रखेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें कलेक्टर का वोल्टेज बेस से ज्यादा रखना पड़ेगा तभी जो भी इलेक्ट्रॉन्स बेस तक पहुंचे हैं उनको कलेक्टर वाला एंड पिकअप कर पाएगा, ठीक है उनको कलेक्ट कर पाएगा। अब मान लो हम कलेक्टर का जो वोल्टेज है 0.1 वोल्ट करते हैं क्या होगा, तो अभी भी जो इलेक्ट्रॉन्स बेस तक पहुंचे हैं ना क्योंकि बेस का ठीक है वोल्टेज ज्यादा है और कलेक्टर का वोल्टेज कम है, तो उस केस में बेस का वोल्टेज ज्यादा है कलेक्टर का वोल्टेज कम है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं ना ये ज्यादा पॉजिटिव है,
कि ये ज्यादा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है इसके कंपैरिजन में। अगर ये वाला ज्यादा पॉजिटिव होगा, कलेक्टर ज्यादा पॉजिटिव होगा, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स जाकर के कलेक्टर पर पहुंच पाएंगे ना। तो हो क्या रहा है कि अभी कलेक्टर का जो वोल्टेज है ना वो बेस से भी कम है, ठीक है। इनफैक्ट कलेक्टर और बेस जो है रिवर्स बायस है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो आए है ना यहाँ तक तो आएंगे, लेकिन इधर से भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ही हो रहे हैं बेस की तरफ, यहाँ भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कलेक्टर करेंट, ठीक है, कलेक्टर करेंट यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, मैं कह रहा था कि कलेक्टर बेस को तुम्हें फॉरवर्ड में लाना पड़ेगा। एक्चुअली कलेक्टर करेंट, कलेक्टर वोल्टेज की वैल्यू रफली जब 0.2 वोल्ट या 0. कहीं कहीं पे 0.2 वोल्ट रहता है, कहीं कहीं पे 0.3 वोल्ट, रफली जब कलेक्टर वोल्टेज की वैल्यू 0.3 वोल्ट हो जाती है, उस टाइम में ये कलेक्टर बेस जंक्शन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बेस तक पहुंचे उनको कलेक्ट करने के लिए केपेबल हो जाता है। तो ये वाला जो वोल्टेज है ना ये रफली 0.3 वोल्ट है। 0.3 से जैसे ही कलेक्टर वोल्टेज ज्यादा हुआ, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बेस तक आ रहे वो कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कलेक्टर वोल्टेज की वैल्यू 0.3 से भी कम है तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना बेस तक वो कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे वो थोड़ा बहुत कलेक्टर वोल्टेज पर भी डिपेंड करेगा, और ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर पता है क्या बोलते हैं, ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है, ये वाला तो एक्टिव रीजन है। यहाँ पे तुम देख सकते हो बेस एमिटर तो पहले से ही फॉरवर्ड, अगर कट ऑफ कर दिया है बेस एमिटर को, बेस एमिटर वोल्टेज की वैल्यू अगर 0.7 से कम कर दी है तब तो हमारे ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में, तब तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो पहले हमें ट्रांजिस्टर को कट ऑफ से बाहर निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही बेस एमिटर वोल्टेज को हम 0.7 से ज्यादा लाते हैं, अब दो पॉसिबिलिटीज है, बेस एमिटर वोल्टेज के फॉरवर्ड बायस होने के बाद अगर कलेक्टर बेस भी फॉरवर्ड बायस रह गया तब भी हमारे ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में नहीं आएगा, इस टाइम में हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, हमारे ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में होगा। और सैचुरेशन रीजन में बेस कलेक्टर बेस, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू ऑलमोस्ट, चलो ये सैचुरेशन रीजन में क्या होता है वो अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सैचुरेशन रीजन का मतलब है कि बेस एमिटर और कलेक्टर बेस ये दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गए हैं, ठीक। उस टाइम में हम हर एक ब्रांच में करंट अल्फा बीटा को देख करके नहीं बता सकते, ठीक है। कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा, अब हम बोल सकते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में चला गया है, और एक्टिव रीजन में जाने के बाद ट्रांजिस्टर का जैसा ऑपरेशन हम डिस्कस कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही ट्रांजिस्टर बिहेव करेगा। बेस करंट, एमिटर करंट, कलेक्टर करंट, ये तीनों प्रोपोर्शनल होंगे। बेस करंट की वैल्यू बीटा टाइम्स कलेक्टर करंट होगी और एमिटर करंट की वैल्यू अल्फा टाइम्स, नहीं, कलेक्टर करंट की वैल्यू बीटा टाइम्स बेस करंट और कलेक्टर करंट की वैल्यू अल्फा टाइम्स एमिटर करंट की इक्वल होगी। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हुआ। अब इसमें पूछो, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। कि बहुत इसमें ज्यादा मेहनत लग गई है, अब जितना भी मेहनत का काम था कंप्लीट हो गया, अब तुम ऑलमोस्ट ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को थोड़ा बहुत समझ पाओगे, कि ये इसको अगर समराइज करूँ ना ब्रीफली तो ट्रांजिस्टर किस तरह से ऑपरेट करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ट्रांजिस्टर सर्किट दे दिया जाए, उसको सॉल्व करने को कहा जाए कि हर एक ब्रांच में कितना कितना करंट हो, और मैं एक एग्जांपल देकर के तुम्हारे सामने भी सॉल्व करूंगा और तुम सब लोग सॉल्व कर सकते हो आसानी से इस स्टेज पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस एमिटर रीजन फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस। अगर बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस अगर नहीं हुआ है, ये बेस एमिटर,
अगर बेस एमिटर रिवर्स बायस है तो उस टाइम में हम बोलेंगे कि ये कट ऑफ रीजन में, कट ऑफ, हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में है। और अगर हमारे बेस एमिटर रीजन, बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया, मतलब बेस एमिटर की वैल्यू जैसे ही तुमने 0.7 से ज्यादा बढ़ाई कि अब हमारा बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस में आ गया, तो फॉरवर्ड बायस में आने के बाद दो पॉसिबिलिटी है, क्या क्या? तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस, जब बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस में आ जाता है उसके बाद हम चेक करते हैं कि कलेक्टर बेस किस रीजन में, ठीक, कलेक्टर बेस किस रीजन में, कलेक्टर बेस जंक्शन। तो कलेक्टर बेस जंक्शन अगर मान लो फॉरवर्ड बायस में आ गया तो ये सैचुरेशन रीजन होगा और फिर से कलेक्टर करेंट की वैल्यू बहुत कम होगी, ठीक है, और दोनों कलेक्टर बेस और बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस में होंगे। लेकिन कलेक्टर करेंट, कलेक्टर बेस जंक्शन जब रिवर्स बायस होगा, कलेक्टर का वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा अगर इन तीनों में, तो उस टाइम में हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेगा। और एक्टिव रीजन में जब हमारा ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा उसी टाइम में हमें किसी भी एक ब्रांच का करंट पता चल जाए तो बाकी दोनों ब्रांचेज में हम करंट क्या होगा बता सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को तुम लोग पहले ट्राई करो और उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक। ये सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, जैसे तुम इलेक्ट्रिक सर्किट सॉल्व करते हो वैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक। ये VCC है, ये इसको बोलते हैं वाई, ये मान लो 5 वोल्ट है और यहाँ पे ऐसे कुछ ना कुछ कलेक्टर रेजिस्टेंस होगी, यहाँ पे कुछ बेस टर्मिनल वाले पर कुछ रेजिस्टेंस है और यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और ये कितने, ये 1 किलो ओम, ठीक है, और ये 100 किलो ओम, ठीक है। बेस करंट बहुत कम होता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ज्यादा रख रहे हैं। और क्या क्या क्वेश्चन की, और क्या क्या गिवन है, हाँ, क्वेश्चन में बताया गया कि यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है, मतलब यहाँ पर ऐसे करके बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, तो बैटरी को हम यहाँ ड्रॉ नहीं करके, यहाँ पे बैटरी की वैसे जो वोल्टेज आ रहा है वो लिख देता हूँ, ये 2.7 वोल्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड VC, ठीक, कलेक्टर वोल्टेज कितना है, इसको ट्राई करो। और क्वेश्चन में बताया गया है यहाँ पर बीटा की, ये ट्रांजिस्टर ऐसा है NPN ट्रांजिस्टर, इसके लिए बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 100 है गिवन, ठीक है। ये सर्किट तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, मैं तुम्हारे सामने सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले ठीक है, इसमें तुम्हें लग रहा होगा कि ये एक्टिव मोड में है या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो ट्रांजिस्टर सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक्टिव मोड में है या सैचुरेशन मोड में है या कट ऑफ मोड में है, ठीक है। तो वो हम सैचुरेशन, देखो कट ऑफ में है या नहीं है वो तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं सर्किट को देख करके। जैसे यहाँ पे वोल्टेज अगर हमें पता चल गया 2.7 है तो ऑब्वियसली ये बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया, ये कट ऑफ में तो नहीं है। अब दो पॉसिबिलिटी है, सैचुरेशन हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो सैचुरेशन के लिए हमें कलेक्टर बेस वोल्टेज देखना पड़ेगा, वो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो उसके लिए ना हम हमेशा क्या करेंगे कि पहले हम इसको एक्टिव रीजन में मान करके सॉल्व कर लें, ठीक। अगर आंसर के अकॉर्डिंग
हमारे ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में आ गया तब हमारा सॉल्यूशन सही है, वरना अगर ये एक्टिव रीजन में नहीं होगा और एक्टिव मान करके सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो कंसिस्टेंट नहीं आएगा। ठीक, क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझो, ये एक्टिव रीजन में है हमने अज्यूम कर लिया। एक्टिव रीजन में होने का मतलब है कि तीनों करेंट्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को देखते हैं, ये वाला पार्ट। हम बोलेंगे ये जो है ना बेस एमिटर जंक्शन है और ये बेस एमिटर जंक्शन बिल्कुल डायोड की तरह है। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ से सॉल्व, ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ पर लिखता हूँ, बेस वाला जो पॉइंट है, बेस का जो वोल्टेज है वो तो हम बिल्कुल बता सकते हैं, वो 0.7 वोल्ट ही होगा। ये होगा 0.7 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि ये क्योंकि पीएन जंक्शन है और पीएन जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज 0.7 के इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। अब ये जो बेस वाले टर्मिनल पर जो ये रेजिस्टर लगा है उसके अक्रॉस कितना करेंट होगा वो हम बता सकते हैं। यहाँ पे 2.7 है, यहाँ पे 0.7 है। तो स्टेप नंबर वन, हम बोलेंगे बेस करेंट की जो वैल्यू है, मतलब इस रेजिस्टर में जो करंट फ्लो करेगा वही तो बेस टर्मिनल में फ्लो करेगा। तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज यानी 2.7 माइनस 0.7 अपॉन 100 किलो ओम। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है 2 अपॉन 100, और 2 अपॉन 100 मतलब कि इसको माइक्रो एम्पेयर में अगर करोगे 20 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, तो बेस करंट की वैल्यू हमें पता चल गई, बेस करंट की वैल्यू पता चल गई। अब जैसे ही बेस करंट की वैल्यू पता चल गई, तीनों करंट की वैल्यू पता चल गई, आई भी पता चल गया, आईसी भी पता चल गया, तो हम बोलेंगे कलेक्टर करंट की जो वैल्यू होगी, मतलब इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा होगा, वन ओम को इधर कर देते हैं, इस ब्रांच में जो कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा होगा वो हम बता सकते हैं। कलेक्टर करंट की वैल्यू होती है बीटा टाइम्स बेस करंट। बीटा की वैल्यू पता है 100, इसको 20 माइक्रो एम्पीयर, और ये वैल्यू आ रही है 2 मिली एम्पीयर। ठीक है, तो कलेक्टर करंट की वैल्यू भी पता चली, और कलेक्टर करंट की वैल्यू जैसे ही पता चली तो कलेक्टर पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा वो नहीं बता सकते हम। तुम यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, इस पॉइंट का वोल्टेज 5 वोल्ट है, रेजिस्टर के अक्रॉस ट्रैवल करेंगे, करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल करें तो ड्रॉप होगा, तो कलेक्टर का जो वोल्टेज है, ये लास्ट स्टेप में हम बोले कलेक्टर का जो वोल्टेज है वो चेक करो, VCC माइनस, ठीक है, 1 किलो मल्टीप्लाइड बाय करंट हमने निकाल लिया 2 मिली एम्पीयर। तो ये VCC की वैल्यू 5 है, और ये मिली और मिली को 10 इसको माइनस भी करोगे -2, और तुम्हें पता चले कलेक्टर वोल्टेज, इस पॉइंट का जो वोल्टेज है 3 वोल्ट है। अब तुम देख सकते हो कलेक्टर का वोल्टेज 3 वोल्ट है, बेस का वोल्टेज 0.7 है, तो कलेक्टर बेस रिवर्स बायस में है, इसका मतलब है हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो तुम इलेक्ट्रिकल सर्किट देख करके ना किसी एक ब्रांच में करंट पता लगा लोगे, इस सर्किट को देख करके किसी एक रेजिस्टर में करंट पता लगा लोगे तो बाकी सारे ब्रांचेज में क्या करंट होगा वो बता सकते हो। ये जो सर्किट मैंने बताया ना, इसी टाइप का सर्किट तुम्हारे कोर्स में है, और ऐसे सर्किट तुम इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। इसमें बेस की का वोल्टेज हमेशा पता होता है, तो बेस पर अगर रेजिस्टर लगाया है उसमें क्या करंट फ्लो कर रहा होगा वो बताना हमारे लिए आसान होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो अब ये फाइनल ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लें, जिसकी बेसिस पे एम्पलीफायर और स्विच एप्लीकेशन। कि फाइनली ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब इनपुट वोल्टेज करें, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब आउटपुट वोल्टेज करें, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है इनपुट वोल्टेज पर देखेंगे आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है, कि इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे और आउटपुट टर्मिनल पर वोल्टेज मेजर करेंगे।
ये कहलाता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो मैं पहले की तरह ही वही सिंपल, ठीक है, पिछले सर्किट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, क्योंकि अगर पिछला सर्किट कैसे सॉल्व किया है वो तुम्हें अगर बहुत आसान लग रहा है तभी तुम्हें आगे वाले पॉइंट्स समझ में आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये सर्किट है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, बेस वाले टर्मिनल पर जो रेजिस्टर लगा है उसका नाम रख देते हैं आरबी, बेस रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसको हम इनपुट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसको कई जगह पर आरआई लिखा रहता है, और कलेक्टर वाला जो टर्मिनल है वहां पर जो रेजिस्टर लगा है उसको हम आरसी लिख देते हैं, कलेक्टर रेजिस्टेंस, या फिर इसको हम आरओ, आउटपुट रेजिस्टेंस भी लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इनपुट टर्मिनल पर हमें वोल्टेज अप्लाई करना है, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाना है, ठीक है, और आउटपुट टर्मिनल, इस आउटपुट टर्मिनल पर वोल्टेज क्या आएगा वो हमें मेजर करना है। इनपुट पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, आउटपुट आउटपुट पर वोल्टेज मेजर करेंगे, और इनपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, इनपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट है। ठीक है, अब तुम लोग थोड़ा सोच करके बताओ, धीरे धीरे इनपुट वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं, क्या क्या होगा, कैसे कैसे इसमें आउटपुट आएगा, ये जरा बता सकते हो? बताओ क्या होगा, ये आउटपुट यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज प्लॉट कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में सोचते हैं कि इनपुट वोल्टेज जीरो है, इनपुट वोल्टेज जीरो है, क्या होगा? इनपुट वोल्टेज जीरो होने का मतलब है कि यहां से कोई करंट ही नहीं पास करेगा, क्योंकि हमारा जो बेस एमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में एग्जिस्ट करेगा। तो जब इनपुट वोल्टेज है ना, सॉरी इनपुट वोल्टेज जीरो है ना, तो उस टाइम में बेस करंट जीरो है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट नहीं करेंगे, और सारे करंट जीरो है, कलेक्टर करंट भी जीरो है, यहाँ पे कोई करंट नहीं पास करता। और अगर कलेक्टर करंट जीरो है तो अगर कलेक्टर करंट जीरो है, यहाँ पे कोई करंट नहीं पास कर रहा है, तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? अगर कलेक्टर में कोई, मतलब इस रेजिस्टर में कोई करंट ही नहीं है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप जीरो होगा और आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल 5 वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ इनपुट वोल्टेज को हम 0.01 वोल्ट रखते हैं, अभी भी पीएन जंक्शन, ये हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में होगा, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ होगा, पीएन जंक्शन ऑफ होगा, तो कट ऑफ रीजन का मतलब सारे करंट जीरो, कलेक्टर करंट जीरो, और आउटपुट करंट, सॉरी आउटपुट वोल्टेज वो 5 वोल्ट के इक्वल होगा, कलेक्टर पर जो वोल्टेज आएगा
वो 5 वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक, इसका मतलब है कि तुम इमेजिन कर सकते हो कि जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज ये बढ़ाएंगे, लेकिन इनपुट वोल्टेज की वैल्यू जब तक 0.7 नहीं पहुंच गया, तब तक आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 5 वोल्ट के इक्वल होगी, बिल्कुल 5 वोल्ट के इक्वल। अग्री करते हो? ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये समझ लो ये 0.7 वोल्ट है, ये वैल्यू रफली 0.7 वोल्ट है। अब मैं कह रहा हूं कि इनपुट वोल्टेज की वैल्यू जैसे ही 0.7 से थोड़ा भी ज्यादा होती है, ठीक है, 0.7 से जैसे ही बढ़ना स्टार्ट होगी, अब हमारा ये बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया और यहाँ पे ठीक है बेस करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अभी अभी इनपुट वोल्टेज की वैल्यू जस्ट 0.7 के आसपास पहुंची है, तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि बेस करंट की वैल्यू ठीक कम ही होगी, मतलब ग्राफ कुछ हम यहाँ पर अभी पहुंचे हैं, तो बेस करंट की वैल्यू कमी होगी, तो बेस करंट जितना होगा उसी के प्रोपोर्शनल यहाँ पर कलेक्टर करंट फ्लो करेगा। ठीक, कलेक्टर करंट की वैल्यू होती है बीटा टाइम्स बेस करंट। तो आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू होगी, आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू, इसको चेक करो, ठीक, कट ऑफ से बाहर एक्टिव रीजन में आने के बाद क्या होगी, वो VCC माइनस ICRC, कलेक्टर करेंट और कलेक्टर रेजिस्टेंस। अग्री करते हो? ठीक है, तो यहां पर तुम देख करके बता सकते हो, इसको मैं किसी और कलर से लिखता हूँ, फिगर थोड़ा मैं चाहता हूँ बहुत ही साफ हो। यहाँ पे यूं इस तरह से बेस करंट है और यहाँ पे यूं इस तरह से कलेक्टर करंट। जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, अब इनपुट वोल्टेज और बढ़ाना स्टार्ट करेंगे 0.7 से आगे बढ़ेंगे, अब तेजी से बेस करंट की वैल्यू बढ़ने लगी, और बेस करंट बढ़ने का मतलब कलेक्टर करंट बढ़ना, और कलेक्टर करंट स्टार्टिंग में जीरो था, आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट के इक्वल था। अब जैसे ही कलेक्टर करंट बढ़ना स्टार्ट होगा, रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप बढ़ना स्टार्ट होगा और आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज करना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू जो है ना, वो अब 5 वोल्ट नहीं रहेगी। मान लो हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, बेस करंट कलेक्टर करंट बढ़ता जाता है, और कलेक्टर करंट बढ़ने की वजह से रेजिस्टर के अक्रॉस मान लो ड्रॉप 1 वोल्ट का हो रहा है किसी टाइम में, तो अब जो आउटपुट वोल्टेज है ना, 5 माइनस 1 4 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 4 वोल्ट के इक्वल हो जाए, और हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाते हैं, बेस करंट कलेक्टर करंट और इंक्रीज करता है, तो आउटपुट वोल्टेज और डिक्रीज करता है। तो तुम देख सकते हो इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करने से ठीक है होता क्या है, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज करता जा रहा है। ये 5 वोल्ट है और ये पहले 1 वोल्ट था मान लो ड्रॉप, फिर 2 वोल्ट हुआ क्योंकि कलेक्टर करंट इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये आउटपुट 3 वोल्ट के इक्वल हो गया। फिर मान लो ड्रॉप 3 वोल्ट के इक्वल है, फिर ड्रॉप 4 वोल्ट के इक्वल है, ड्रॉप 4 वोल्ट के इक्वल हो गया, तो आउटपुट वोल्टेज 1 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, एक टाइम आता है कि कलेक्टर करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो कलेक्टर वोल्टेज है ना, वो बेस से भी कम हो जाता है। अभी कलेक्टर का वोल्टेज, अभी इससे पहले वाले केस में स्टार्टिंग में 5 वोल्ट था, ठीक, उसके बाद कलेक्टर वोल्टेज 4 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये 0.7 है, ये 4 वोल्ट है, एक्टिव रीजन में है। कलेक्टर वोल्टेज 3 वोल्ट हो गया, एक्टिव रीजन में है। हम इनपुट बढ़ाते जाएंगे, कलेक्टर वोल्टेज कम होता जा रहा है ना, कलेक्टर वोल्टेज फिर 2 वोल्ट होगा किसी टाइम में, फिर कलेक्टर वोल्टेज 1 वोल्ट होगा, अभी भी ये एक्टिव रीजन में है। लेकिन इसके आगे जैसे इनपुट वोल्टेज हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो करंट बढ़ेगा और कलेक्टर वोल्टेज कम होगा, तो एक टाइम आएगा कि कलेक्टर वोल्टेज की जो वैल्यू है वो बेस वोल्टेज के भी से भी कम हो जाएगी। ठीक है, उस टाइम में बोलेंगे कि अब हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव मोड में नहीं है, अब क्या है, अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा, अब हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, और जब सैचुरेशन रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर चला जाता है, तो कलेक्टर और बेस के बीच में जो वोल्टेज है ना, वो फिक्स हो जाता है, वो रफली ठीक है 0.3,
के आसपास होता है। ठीक है, अब तुम इनपुट वोल्टेज बढ़ाते चले जाओ, ठीक, कलेक्टर करंट नहीं बढ़ेगा, कलेक्टर करंट फिक्स हो गया, ठीक है, और कलेक्टर वोल्टेज फिक्स हो गया। ठीक है, सैचुरेशन रीजन तुम्हें बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, एक्टिव रीजन ज्यादा डीप में तुम्हें पढ़ना है। सैचुरेशन रीजन में बस यही पता होना चाहिए कि कलेक्टर वोल्टेज फिक्स हो जाता है, और तुम चाहे इनपुट को बढ़ाओ भी तो ये कलेक्टर करंट अब कलेक्टर वोल्टेज अब चेंज नहीं होगा, कलेक्टर वोल्टेज फिक्स हो गया है, तो आउटपुट वोल्टेज फिक्स हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू 0.3 के आसपास होगी और शेप कुछ इस टाइप की आएगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ इस ग्राफ को, इस ट्रांजिस्टर के लिए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को देख करके यहाँ पर बता सकते हो, ये जो सबसे पहला वाला रीजन है ना, ये यहाँ पर ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में है, चेक करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट है ये एक्टिव रीजन कहलाता है, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये सैचुरेशन रीजन कहलाता है। ठीक है, और हम बोलते हैं कि ये जो एक्टिव रीजन है, इस एक्टिव रीजन में हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं एम्पलीफायर मैन्युफैक्चर करने में, एम्पलीफायर डिजाइन करने में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग अलग अलग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि प्रॉपर फैक्ट्री में या जहाँ पर भी वर्कशॉप है वहाँ पे किस तरह से हम किस तरह से उसको फैब्रिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और डिजाइनिंग का मतलब है कि वो सर्किट तुम्हें डिजाइन कर, उसके अंदर एलिमेंट्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हुई, कैपेसिटर की कितनी वैल्यू हुई, ये डिजाइनिंग कहलाता है। और ये डिजाइन पैरामीटर्स पता चल गए, अब इसको फैब्रिकेट करना, ये मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा, फैब्रिकेशन कहलाएगा। तो मैं इंटरचेंजेबली यूज कर दे रहा हूँ, उसको इग्नोर कर देना। तो मैं कह रहा हूँ कि एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर जब रहता है तो हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं एक्टिव रीजन में, और ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज करते हैं, इन्वर्टर की तरह यूज करते हैं वो कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्पलीफायर की तरह ट्रांजिस्टर कब यूज होता है, जब वो एक्टिव रीजन में रहता है। ठीक है, मतलब ट्रांजिस्टर का कौन सा मोड एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह ट्रांजिस्टर किस रीजन में ऑपरेट होता है जब ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज करें, तो वो कट ऑफ और सैचुरेशन। तुम देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है ना, ये इन्वर्टर का ही ग्राफ है। इनफैक्ट तुम यहाँ पे डायरेक्टली ये इसको ब्लैक बॉक्स में रख दो और ये और कुछ नहीं है, ये इन्वर्टर है, ये नॉट गेट है। तुम यहाँ पे तुम देखो 0 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, और जब यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं, इन्वर्टर नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में, और एक्टिव रीजन में ये एम्पलीफायर की तरह इसको हम यूज करते हैं। तो अब बताओ, अब तुम्हारे पास एनर्जी है तो एम्पलीफायर का लास्ट पॉइंट डिस्कस कर दिया जाए, और या फिर इसको कुछ टाइम बाद डिस्कस किया जाए, बताओ क्या सजेशन है। हाँ बताओ, अच्छा क्लास है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो तुम लोग ऐसा करो, ये बहुत कुछ बता दिया, अब तुम्हें मतलब एम्पलीफायर समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो या तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, या तो 1-2 घंटे बाद या शाम में, ठीक है, आधे घंटे की क्लास लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। शाम में करते हैं, ठीक है, चलो। तो शाम में हम जो बचा हुआ पार्ट है उसको, लेकिन ये मतलब